हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो इंडेक्स नंबर का लास्ट वीडियो है। हाँ, इसके बाद अगर और कुछ तुम्हारे ऊपर टॉपिक्स आ गए वो भी बता दूंगा। जैसे पहले मैंने इंडेक्स नंबर बनाया था सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाया था, फिर उसके बाद 12th के कॉमर्स में ना इंडेक्स नंबर उनको ध्यान में रख के बनाया था। फिर उसके बाद बीकॉम के बच्चे लोग की रिक्वेस्ट आने लगे, बीकॉम बीएससी के बच्चे की, सर ये सारे टॉपिक भी बना दो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसके बाद मैं थोड़ा होल्ड करूंगा, बट अगर तुम लोग को और कुछ नया टॉपिक चाहिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दो, इंडेक्स नंबर के रिलेटेड, वो भी मैं फटाफट वीडियोस बना दूंगा। समझ में आ रहा है? वीडियोस किसके लिए बना रहे? तुम लोग के लिए बना रहे, जो तुम लोग को टॉपिक चाहिए हम लोग जल्दी से जल्दी उसको बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सिर्फ तुम लोग क्या करने का, फ्रेंड्स को शेयर करो वीडियो, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तभी। और इंडेक्स नंबर के एक वीडियो पे 25,000 व्यूज है और अच्छे खासे लाइक से मुझे लग रहा है कि बच्चों के रिस्पांस अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अच्छा लग रहा है। एक स्टूडेंट है जिसने मुझे हरियाणा से मैसेज किया था, हरियाणा की स्टूडेंट है जिसने मुझे मैसेज किया था, मतलब कंटिन्यूसली उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और कमेंट भी कर रहे थे कि सर ये टॉपिक बना दो बना दो। मतलब ऐसा मैसेज आते तो अच्छे लगते, ठीक है, कि हाँ भाई वीडियोस पहुंच रहा है, दूर तक पहुंच रहा है, तो अच्छा लगता है, सही कि नहीं। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्राइटेरिया ऑफ गुड इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये जो टॉपिक है इसका नाम है, जो ये वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले, क्राइटेरिया ऑफ गुड इंडेक्स नंबर। इतने सारे इंडेक्स नंबर है, हम लोग जज कैसे करेंगे कि कौन सा इंडेक्स नंबर अच्छा है कौन सा इंडेक्स नंबर बुरा है? तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। हम लोग ये वीडियो में ये तीन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट पहले डिस्कस कर देंगे, उसके बाद फैक्टर करेंगे, बाद में सर्कुलर टेस्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, टाइम रिवर्सल टेस्ट सिंपल सा है, एकदम सादा है। बोला है कि तुम अपने इंडेक्स नंबर में बेस को करंट ईयर बना दो और करंट ईयर को बेस बना दो। मतलब करंट ईयर का नोटेशन वन रहता है और बेस का जीरो रहता है, ठीक है। तो जहां जहां पे तुमने वन लिया था वहां वहां पे जीरो ले लो, और जहां जहां पे तुमने जीरो लिया था वहां वहां पे वन ले लो, और फिर प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो। करंट ईयर मतलब जो तुम्हारा करंट ईयर P10 और P01, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब वो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो इंडेक्स नंबर अच्छा है क्योंकि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोल लिया, अभी मैं लिख के एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान देना, P01/100 मल्टीप्लाई बाय P10/100 इज इक्वल टू 1। अगर तुम्हें आ रहा है कोई भी इंडेक्स नंबर का, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब किसी किसी बुक में ना फॉर्मूला ऐसा दिया है, P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू 1। तो उन लोग क्या करते मालूम है, इंडेक्स नंबर निकालते टाइम 100 को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी राइट है, बट तुम लोग इतना मेक श्योर करने के कि जब तुम लोग इंडेक्स नंबर निकालो तो 100 को कंसिडर मत करो। यहाँ पे हम लोग मतलब मैं तुम लोग को जो बता रहा हूं, मैं 100 को कंसिडर करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100, इसके लिए मैं उसको डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे यहाँ पे लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर है, लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर में तुम्हारा P01L, ये तुम्हारा नॉर्मल फॉर्मूला है, ये तुम्हारा नॉर्मल फॉर्मूला है, समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, मतलब जहां पे वन था वहां पे जीरो लिख दिया और जहां पे जीरो था वहां पे वन लिख दिया। मतलब हम लोग ने बेस ईयर और करंट ईयर को चेंज कर दिया, बेस ईयर और करंट ईयर को क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया, ठीक है। जो बेस ईयर था उसको करंट ईयर बना दिया, जो करंट ईयर था उसको बेस ईयर बना दिया। समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा कॉलम था ना, ये 2003 है, 2004 है, तुम लोग ने अगर समझो 2003 को बेस ईयर बनाया रहेगा और 2004 को करंट ईयर बनाया रहेगा, रिवर्स कर दो। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर तुम बेस चेंज करने से तुम्हारा अगर इंडेक्स नंबर फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब काय का अच्छा इंडेक्स नंबर है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट यही बताता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, P1Q0 P0Q0, यहाँ पे हम लोग ने 1 के जगह पे 0, 0 के जगह पे 1, 0 के जगह पे 1, 0 के जगह पे 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा P01 लास्ट पेयर का, ये तुम्हारा P10 लास्ट पेयर का, ठीक है। मैं दोनों का P01L/100 × P10L/100, ठीक है। तो P01L/100 मतलब क्या सर, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, समेशन P1Q0 समेशन P0Q0। फिर P10L में सर अब जब अपॉन 100 करोगे, ये 100 ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, समेशन P0Q1 समेशन P1Q1, ठीक है। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो P1Q0 P1Q1 P0Q0 P0Q1 कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है, और जब सब कैंसिल होते तो 1 मिलता है, बट कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है, मतलब 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब तुम लोग क्या बोल सकते हो सर, कि लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट।
लास्ट पर इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। इसके बाद फिशर्स इंडेक्स नंबर, फिशर्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन है वो दो का, कौन से दो का कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, याद रहेगा तो। मैं अभी ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर्मूला क्या है, P1Q0, P0Q0 ऑफकोर्स समेशन P1Q1, P0Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और अगर तुमने रिवर्स कर दिया तो P01 को P10 कर दिया तो P0Q1, देखो 10 की जगह पे 01 आ गया, 11 की जगह पे 00 आ गया, 00 की जगह पे 11 आ गया, 01 की जगह पे 10 आ गया मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब तुम लोग P01F अपॉन 100, तो सर ये 100 ये 100 कैंसिल, P10F अपॉन 100 ये 100 ये 100 कैंसिल। जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना, P0Q0 कैंसिल, ठीक है, P1Q1 कैंसिल, P1Q0 कैंसिल, P0Q1 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, क्या बचा वन, मतलब क्या बोल सकते हैं, फिशर इंडेक्स नंबर सैटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट। रिव लिखा है, शॉर्टकट लिखा है, फिशर इंडेक्स नंबर सैटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट। और बच्चों तुम लोग चेक करोगे ना, जो तुम्हारा मार्शल एजवेद इंडेक्स नंबर है वो भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सैटिस्फाई करता है, एजवेद मार्शल इंडेक्स नंबर वो भी तुम्हारा टाइम रिवर्सल टेस्ट सैटिस्फाई करता है। और कौन से इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट सैटिस्फाई करते हैं तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। टाइम रिवर्सल टेस्ट कर दिया, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सो पे अटेंशन, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिंपल सा फंडा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का, प्राइस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और अगर तुम्हें वैल्यू इंडेक्स नंबर मिलता है, प्राइस इंडेक्स नंबर को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर तुम्हें वैल्यू इंडेक्स नंबर मिलता है तो तुम लोग बोलोगे कि पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर सैटिस्फाइज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे पाशे और फिशर इंडेक्स नंबर का एग्जाम्पल लिया, तुम लोग और भी एग्जाम्पल लेकर डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं सैटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, थोड़ा तुम लोग भी एफर्ट्स लो, ओके बच्चों। तो क्या बोला है, मतलब प्राइस इंडेक्स, और ये प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर मैंने तुम लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया, कहाँ पे, इंडेक्स नंबर के प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। जो पूरा प्लेलिस्ट देखते हुए आए रहेंगे उनको तो पता ही होगा, जो यही वीडियो पे पहली बार क्लिक किया तो इंडेक्स नंबर का पूरा प्लेलिस्ट है बच्चों चैनल पे, और भी स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे वीडियोस है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, डिसीजन थ्योरी है, तुम्हारा टाइम सीरीज है, लास्ट सैंपल टेस्ट, स्मॉल सैंपल टेस्ट, फिर 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस है, फिर 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है, जरूरत है चैनल को, ठीक है। तभी यहाँ पे ध्यान देना, तो प्राइस इंडेक्स नंबर P01, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q01, और तुम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो डिवाइड बाय 100 कर देना, अगर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करोगे तो डिवाइड बाय 100 की जरूरत नहीं है। और अगर तुम लोग को वैल्यू इंडेक्स नंबर मिलता है मल्टीप्लाई करके, P01 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय Q01 अपॉन 100, अगर तुम लोग को वैल्यू इंडेक्स नंबर मिलता है, मतलब समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q0 मिलता है, तो तुम लोग बोलोगे यस, पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर, दैट पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर सैटिस्फाइज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। जैसे कि पाशे इंडेक्स नंबर क्या है बच्चों, एग्जांपल पाशे इंडेक्स नंबर P01 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय Q01 अपॉन 100, ठीक है। तो P01 पाशे का समेशन P1Q1 अपॉन P0Q1, और तुम्हारा Q01 क्या है, समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P1Q0। अगर तुम लोग इसको देखोगे तो कुछ कैंसिल हो गया, तुम्हें P1Q1 P0Q0 नहीं मिल रहा है, मतलब V01 तुम्हें नहीं मिल रहा है, मतलब पाशे इंडेक्स नंबर सैटिस्फाई नहीं करता फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। फिशर्स देख लेते हैं, बहुत अच्छा फिशर है, ठीक है, फिशर इंडेक्स नंबर काफी अच्छा इंडेक्स नंबर है, स्पॉइलर दे दिया मैंने, स्पॉइलर अलर्ट, ध्यान देना। फिशर इंडेक्स नंबर P01 का फॉर्मूला ये है, समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 मल्टीप्लाई बाय समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये सब रूट में, ठीक है। Q01 समेशन P0Q1 समेशन P0Q0 समेशन P1Q1 समेशन P1Q0, ठीक है। जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब डिवाइड बाय 100 करके मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो ये 100 ये 100 कैंसिल, ये 100 ये 100 कैंसिल। अब देखो बच्चों ये दोनों में से कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, देखो समेशन P1Q0 समेशन P1Q0 कैंसिल, फिर समेशन P0Q1 समेशन P0Q1 कैंसिल, दोनों के न्यूमरेटर में समेशन P1Q1 समेशन P1Q1 द होल स्क्वायर, समेशन P0Q0 समेशन P0Q0 द होल स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर स्क्वायर रूट चला गया, न्यूट्रलाइज कर दिया, 1/2 2 2/2 1 हो गया, बचा क्या, समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q0 which is nothing but V01, which is nothing but V01 value index number। तुम लोग क्या बोल सकते हो, सर फिशर इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट तो सैटिस्फाई कर ही रहा था, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी सैटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो आइडियल इंडेक्स नंबर है।
फिशर इंडेक्स नंबर को इसलिए हम लोग आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। और बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चा ध्यान से देखना, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट क्या है? ये एक्सटेंशन है किसका? एक्सटेंशन है किसका? टाइम रिवर्सल टेस्ट का। मतलब जहां से शुरू किया वहां पे वापस से आ जाने का। मतलब मान लो कि 1998, 2000 और 2004 ये तीन है तुम्हारे पास, ठीक है। 2000 का इंडेक्स नंबर निकालो विद द बेस 1998, ठीक है। फिर 2004 का इंडेक्स नंबर निकालो विद द बेस 2004 का इंडेक्स नंबर निकालो विद द बेस 2000 और फिर 1998 का इंडेक्स नंबर निकालो विद द बेस 2004। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? वो एग्जांपल से मैं बोलना क्या चाहता था देखो, तुम लोग P01 निकालो, मतलब जो तुम्हारा जीरो ईयर रहेगा वो बेस रहेगा और फर्स्ट ईयर तुम्हारा करेंट ईयर रहेगा। फिर तुम P12 निकालो, मतलब फर्स्ट ईयर तुम्हारा बेस रहेगा, सेकंड ईयर तुम्हारा बेस रहेगा। मतलब अगर मैं 2002, 2003 वो एग्जांपल भूल जाओ, फॉर द टाइमिंग भूल जाओ, अगर 2002 ऐसा रहेगा तो एक बार 2001 को बेस लो, एक बार 2002 को बेस लो, एक बार 2003 को बेस लो। ऐसा करते करते जो तुम लोग लास्ट वाला कैलकुलेट करोगे, ठीक है, लास्ट वाला कैलकुलेट करोगे, जैसे 1998 का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे 2004 एज अ बेस, सर कंफ्यूज हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसको जीरो बोल देते हैं, इसको वन बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? टू बोल देते हैं। पहले क्या निकालने बोला? P01, मतलब 2001 इंडेक्स नंबर, 2000 का इंडेक्स नंबर विद 1998 एज द बेस ईयर। पहले ये कैलकुलेट करो, क्या 2000 का इंडेक्स नंबर विद 1998 एज द बेस ईयर। फिर P12, मतलब क्या सर? 2004 का इंडेक्स नंबर विद 2000 एज बेस ईयर। फिर उसके बाद तीन है ना, तो लास्ट में N0 आ जाएगा। मतलब क्या N0 आ जाएगा? मतलब क्या 1998 का इंडेक्स नंबर विद 2004 एज बेस ईयर, विद 2004 एज बेस ईयर। समझ में आ रहा है? तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, मतलब जहां से शुरू करोगे वहां पे घूम के आने का। समझ में आ रहा है? और ये सबको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाय 100 करके। अगर तुम्हें आंसर 1 मिल रहा है तो तुम लोग बोलोगे कि सर ये इंडेक्स नंबर सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई करता है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एन 1 से बड़ा होना चाहिए, ये जो n की वैल्यू होनी चाहिए ना वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 2, 3, 4 होना चाहिए। क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 रहेगी तो इतना इंडेक्स नंबर है, ठीक है। तो P01 P10, ठीक है, P01 P10/100, ये 2 के जगह पे 0 कर दो, क्योंकि अगर जब n की वैल्यू इक्वल्स टू 1 रहेगी तो P01 और P10 हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला किसका हो गया? टाइम रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है? किसका फॉर्मूला हो गया? टाइम रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक बार फिर से ये वाला एग्जांपल ले लिया। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, क्या 2000 2001 2002 2003, ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर निकालो विद 2000 एज बेस, ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर निकालो विद 2001 एज बेस, इसका इंडेक्स नंबर निकालो विद 2002 एज बेस, फिर इसका इंडेक्स नंबर निकालो विद 2003 एज बेस। समझ में आ रहा है? और ये सबको नोटेशन दो, P01, P12, P13, समझ में आ रहा है? और लास्ट वाला क्या रहेगा? अगर ये तुम्हारा 0, 1, 2, 3 रहेगा तो ये तुम्हारा रहेगा P30, समझ में आ रहा है? और सबके अपॉन में 100 करके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अगर सब कुछ का आंसर हो गया, तुम्हें 1 मिल रहा है, तो ये तुम्हारा इंडेक्स नंबर सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई करता है। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा इंडेक्स नंबर सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई करता है। तो इसी के साथ ये हो गया, इसके रिलेटेड सम भी है, बट इसका सम इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग इंडेक्स नंबर निकाल के डायरेक्टली उसी के बाद कर सकते हो, जिसके सम इतने डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो ना, मैं करवा दूंगा। समझ में आ रहा है? तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है, उस पर क्लिक करके तुम लोग चैनल को कोई भी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।